सभी बड़े आइए। सतीश देवरा जी, राजेश भट्ट जी, बोलो कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता जी की जय। ईश्वर जी आइए। राजेश जी आइए। गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। क्या बात है। बाकी का आर्टिस्ट पीछे करो, जाओ भाई को आते सर। मेरा निवेदन ये था। और क्लैप कहाँ है सर? इनके साथ हाथ मिल जाए गुप्ता जी के। और सर क्या क्लैप की आवाज नहीं ली आपको? उसमें आई चलिए किशन भक्त नरसिम्हा मेहता टेक वन क्लैप। के ऊपर है शक्ति में कितनी शक्ति होती है। आओ बुलाना सर पाजी सती। ये एपिक पूरे भक्ति की शक्ति के ऊपर है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। सुई के नक्के में से पहाड़ निकल जाता है अगर भक्ति में शक्ति हो। और वही ये नरसिम्हा मेहता में बताया गया है। नरसिम्हा मेहता की टीम को पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप इसमें देखेंगे एपिक चैनल पे सैटरडे संडे रात को 8 बजे। थैंक यू। मैंने बहुत मेहनत की है और ये एपिसोड बन रहा है जो एपिक चैनल पे दिखने वाला है एवरी सैटरडे 8 से 9 बजे तक। सैटरडे संडे को। और ये दिखाएगा कि भक्ति में शक्ति, जो हमारे देश का वो है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। किशन भक्त नरसिम्हा मेहता का एपिसोड है, बहुत अच्छी तरह शूट हो रहा है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है। आप सब देखिए और मेरी बहुत बहुत ढेरों बधाई शुभकामनाएँ। राधे माँ भी आने वाली थी ऐसा हम लोग को सूचना मिली जी, नहीं आई जी। राधे माँ आएंगे आज या कल में जरूर आएंगे। अब बात करें ग्लोबल एडवर्टाइज की तो कितनी होर्डिंग्स मिल रही है आपकी तरफ से ग्लोबल की तरफ? देखिए राधे माँ जी का आशीर्वाद है, उनका उनकी प्रेरणा से उनने मुझे जो आशीष दिया है और जो उनने मेरे को ज्ञान दिया है कि भक्ति का जहाँ पर भी कार्यक्रम हो जी वहाँ पर अपने होर्डिंग जो भी यथाशक्ति जो भी खाली रहेंगे उस समय दिए जाएंगे। तो जब भी प्रोड्यूसर साहब हमें बोल देंगे तो लगा दिए जाएंगे। सर शो के कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है? और एपिक पे आ रहा है तो एपिक जो चैनल है इस तरह के शो को काफ़ी फेवर करता, क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये एपिक चैनल के जॉनर का ही है शो। ये एक भक्त के फैमिली की कहानी है कि वो एक भक्ति करता है और भक्ति से भगवान उसकी कितनी सहायता करते हैं
इसके ऊपर है, एक फैमिली को बकर सिंह भगवान की कृपा है। तो स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहूँगा कि कौन कौन से कास्ट हैं, कोई काफ़ी नामी गामी चाह रहे नजर आएगा इस शो में आपके? अभी तो बच्चों के ऊपर रहेगा जी, जब 10-15 एपिसोड होने के बाद में अच्छे नामी चेहरे भी आएंगे, और उसका टाइटल सॉन्ग वगैरह सतीश देरा जी गा रहे हैं, और वैसे मार्केट के सब आर्टिस्ट लिए हैं इसके अंदर। तो कब आने वाला है ये शो, कुछ जानकारी दीजिए कि 27 अक्टूबर से एवरी सैटरडे संडे रात को 8 बजे एपिक चैनल पे आएगा। हमारे संजू भैया भक्ति के बहुत बड़े भक्त हैं। जी 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 और इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इसको देश की नहीं दुनिया जानती है भक्ति का। ये बहुत स्वाभाविक की बात है जिसमें संगीत मेरा और गुस्सा मेरा रहेगा, और आज हमारे बीच संजीव जी गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हाथ से शुभारंभ हुआ है। मैं वर्धन जी को और कृपिन को के महोदय को सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, और मैं कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जी अच्छी माता का संगीत को सुनो, और इसका टाइटल भी कल या तो परसों रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा। पूरा संगीत ही मैं है, पूरा नरसिंह मेहता बोला तो संगीत का रूप एक दूसरा है, जिसमें बहुत सारे भजन बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। एक बार राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा जपो, राधे कृष्णा जपो राधे 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 कृष्णा जपो। और इसका हमने एक टाइटल भी बनाया है, तो इस टाइटल को आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। भक्तों का भगवान है साथी जैसे दीपक और बाती, भक्तों का भगवान है साथी जैसे दीपक और बाती, सच्ची बात सुनाता हूँ सुनना सब लोगों ध्यान से, भगवान भक्त की प्रेम कथा जिसे देखे सब सम्मान से, वो है कृष्ण भक्त नरसी मेहता, कृष्ण भक्त नरसी मेहता, भक्त नरसी मेहता, कृष्ण भक्त नरसी मेहता। संजय जी चल रहा है, कहीं ना कहीं आप भी काफी दिमाग के करीब रहते हैं, तो क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे लोगों को? सबको बहुत बहुत शुभाशीष और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और राधे माँ जी की तरफ से। ड्रीम सक्सेसफुल हो रहा है कि उनको ये सीरियल बनाना था नरसिंह मेहता के ऊपर। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अद्विता हिरकने है, देन अंकल का स्टार्ट हो रहा है, देन मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये शो देखिए एंड फुल सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। एपिक चैनल पे आएगा, एपिक चैनल पे आएगा सैटरडे संडे रात को 8 बजे 27। कहीं ना कहीं नए चेहरों को प्लेटफॉर्म मिला है, इसके लिए क्या कुछ आपके अपने अंकल को क्या शुक्रिया अदा करना चाहोगे? हाँ, इसे उनकी मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है एंड उनसे उनका भी स्कोप बढ़ता जाए एंड उन्हें और मौके मिलते जाएंगे, चांसेस मिलते जाएंगे, सो उनके लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है। थैंक यू, थैंक यू। डायरेक्टर महेश, एपिक चैनल पे ये शो आ रहा है और शो होगा, रिजल्ट किस तरह का ट्रीटमेंट देने वाले हैं शो को आप?
सर, रिसर्च और ट्रीटमेंट के अलावा मैं इस शो के दूसरी बात में प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जिस तरह से आज नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, नैतिक मूल्य नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं मीटू कैंपेन चल रहा है, सब चल रहा है, नैतिक मूल्यों का हनन ही है। ऐसे समय में इस तरह के शो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको आपके धर्म से जोड़ते हैं, आपकी परंपरा से जोड़ते हैं, आपको संस्कार से जोड़ते हैं, जो आपको समाज से जोड़ते हैं आपको, तो उस तरह के वो है ही नहीं। और जो ऐसे सचमुच के पात्र जो आपको प्रेरणा देते हैं, अगर अभी तक आपने देखा जिस तरह से बातें चल रही हैं, तो दिखाने वाले पात्र अलग हैं और जीवन के पात्र अलग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के पात्र पे हम काम करें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, संस्कार मिले, आशीर्वाद जिनका हम ले सकें। तो इसी भाव को लेकर हमने नरसिंह मेहता जी को किया, और ये कई सौ साल पुरानी सच्ची घटना, 500 साल पुरानी घटना है। तो इसको हम उसी तरह का समय का लुक देते हुए, वही ट्रीटमेंट देते हुए कि लोगों को लगे 500 साल पहले की घटना को आज वो साक्षात अपने ड्राइंग रूम में, अपने टीवी में, अपने फोन में, अपने मोबाइल में, इन सब में देख रहे हैं। इस तरह का लुक लेकर हम चल रहे हैं। इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है? नहीं, इतिहास को उससे बेहतर तरीके से परोसा गया है। छेड़छाड़ करने में, छेड़छाड़ के भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो यह है कि उसको बिगाड़ा जाएगा, सुधारा जाए, तो हम सुधारते हुए आगे लेकर आए, जिसको रिस्टोरेशन कहते हैं ना, तो रिस्टोरेशन के भाव के साथ हम लेकर आ गया है सर। लेकिन 90s में जिस तरह का दौर था और लोग पसंद करते थे इस तरह के शो को, आज के दौर में किस तरह से देखते हैं व्यूअर्स का जो टेस्ट है, जो व्यू है? कम से कम सर आज के टाइम पे मेरी जानकारी में कोई 200 से अलग, 200 के आसपास प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, जिसमें एक्शन भी है, एडवेंचर भी है, बायोपिक भी है, माइथो भी है, सब तरह का है। और मेरे हिसाब, अगर मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, तो कम से कम 30 करीब भक्ति चैनल हैं जिनमें आज के टाइम में टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है, है ना। तो इसका मतलब इतनी बड़ी एक ऑडियंस है, जैसे कि आज अगर हम देखें तो वेब सीरीज है या वो करके, तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, अरबों की संख्या है, अरबों की संख्या में और बड़ी अरबों की संख्या जो चिंतित है, परेशान है, अशांत है, उनको शांति देने के लिए, उनको समृद्धि देने के लिए, उनको सुख देने के लिए इस तरह कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बहुत बड़े दर्शक हैं, व्यूअर हैं, इतना ज़्यादा डिमांड है कि हम जो पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। नरसी मेरे देवर हैं और ये सीरियल जो है भक्ति पर आधारित है, और हमारे प्रोड्यूसर जी हैं गोवर्धन सर, इन्होंने मुझे पहली बार ब्रेक दिया है और मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितनी चुनौती होगा आपका ये नेगेटिव रोल प्ले करना, कितना आसान नहीं होता नेगेटिव रोल प्ले करना भी? जी हाँ, आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ। आप बोलिए, आपका नाम बताइए और बताइए किस तरह किरदार है और कितना उत्साहित किरदार को लेकर आप? मेरा नाम आयुष पाठक है और मैं लीड रोल में हूँ, नरसी मैं हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया ये नेगेटिव रोल कर रही हैं और मैं इनका देवर हूँ। और थैंक यू टू प्रोड्यूसर गोवर्धन सर, उन्होंने मुझे कास्ट किया इसके लिए। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा सीरियल को अच्छा करने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए। सीरियल भी किया ना, वो बता दीजिए। मैंने सीरियल्स किए, मतलब लीड नहीं किए, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लीड के लिए। मैंने क्राइम पेट्रोल, कॉमेडी क्लासेस, सावधान इंडिया, बहुत सारी की हैं। अब मीनू जी से। मैम आप? मेरा नाम मीनू भगत है और मेरा इसमें करेक्टर है प्रेमा करके, नौकरानी का करेक्टर है, और मुझे गोवर्धन सर ने फर्स्ट टाइम इसमें ब्रेक दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ काम करके, और मेरा करेक्टर बहुत अच्छा है, और मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगी। खराब हो गया जी, क्या कहना चाहोगे, आपका नाम क्या है और किस तरह? मेरा नाम संगीता सिंह है, मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स मैंने किया है, पिछले 6 साल की एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मैं मिसेस इंडिया भी हूँ और मिसेस इंडिया यूनिवर्स भी हूँ, नॉर्थ ईस्ट विनर, और अभी मेरी कुछ मूवीज़ की भी काम चल रही है। पर मैंने ऐसे माइथो सीरियल्स जो है मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ सर के साथ, लेकिन मेरा, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाऊँगी दूसरे करेक्टर पर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी करेक्टर मैं प्ले करूंगी जो मैंने कभी पहले नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा मैं नेगेटिव करती हूँ, इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। और गोवर्धन सर के साथ मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही, मैंने पहले भी उनके साथ एक काम किया सीरियल्स में और बहुत मज़ा आया। और ये जो भक्ति टाइप जो सीरियल्स आती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सास बहू का जो चक्कर है, ये सब देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा सा चेंजेस भी हो तो आई थिंक अच्छा रहता है। जब भी हम लोग, आप लोगों को भी पता होगा, जब हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये संसार पता नहीं कैसी है, तो कहाँ पे हम लोग भटक रहे हैं। तो ऐसी सीरियल से बहुत सारे लोगों को सही दिशा भी मिल सकती है, बहुत सारे अपने अंदर की जो खामियाँ हैं उसको भी ठीक कर सकते हैं, और अगर किसी में पॉजिटिविटी है
सॉरी नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे शोज देखना भी चाहिए लोगों को और अच्छा भी लगेगा और व्यूअर्स की तो कमी नहीं है। और मैं बहुत डिवोटी टाइप की हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा ब्रेक है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच।